जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कितनी बार जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं, हालांकि हम सभी में से अधिकतर लोग मुश्किलों से लड़ने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमें परेशानियों से मुक्ति नहीं मिलती है, परेशानियों से छुटकारा नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में हम इन मुश्किलों से निकलने के कुछ उपाय कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के इन उपायों को करने से जीवन की कई समस्याओं और मुश्किलों से आसानी से निकला जा सकता है। इन उपायों में से एक उपाय है गुड़हल के फूल का उपाय। दोस्तों, गुड़हल का फूल अद्भुत शक्तियों से भरपूर है। साधारण से दिखने वाला ये गुड़हल का फूल आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा और आप इसके द्वारा कुछ छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन से दुख दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं और ना ही वीडियो को स्किप करके देखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको उपाय समझ में नहीं आएंगे। और आज की जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। ये उपाय आपका पूरा जीवन बदल कर रख देंगे। आज की ये वीडियो कोई ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, केवल आपका 5 से 7 मिनट का समय इस वीडियो में लगेगा और आप खुद महसूस करेंगे कि आपने जो अपना ये समय दिया है, ये आपका व्यर्थ नहीं गया। दोस्तों, ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो जीवन में कभी ना कभी अवश्य काम आ जाता है। तो आज की वीडियो का जो ज्ञान है, ये आपके पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, इसलिए आप आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा देखिएगा। दोस्तों, हर व्यक्ति जिंदगी में खुश रहना चाहता है और वो चाहता है कि उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और वह अपने जीवन में कुछ ऐसा करे कि माँ लक्ष्मी की कृपा बने, ताकि वो जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि माँ लक्ष्मी को गुड़हल का फूल बेहद ही प्रिय होता है, तो गुड़हल के फूल का एक अचूक उपाय, जो कि आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा, ना ही किसी ने बताया होगा और ना कोई आपको ये उपाय बताएगा, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ। दोस्तों, गुड़हल के फूल में इतनी शक्ति होती है कि यह आपकी कुंडली के सभी प्रकार के दोषों का निवारण कर सकता है। आपकी कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का दोष है, किसी भी प्रकार के ग्रह के कारण कोई दुष्प्रभाव है, तो यह उसके दुष्प्रभाव को अपने अंदर सोख लेने की क्षमता रखता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है और उसके कारण विवाह में देरी हो सकती है और साथ ही साथ मंगल दोष के कारण दुर्घटना होने की भी आशंका बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में आपको अपनी कुंडली से मंगल दोष को समाप्त करने के लिए क्या करना है, आप अपने घर में गुड़हल का पौधा जरूर लगाएं। देखिए, गुड़हल के पौधे में बहुत जादुई शक्तियां होती हैं, बहुत ही अद्भुत और कमाल की शक्तियां होती हैं। ये आपके चारों तरफ से, आपके घर में से सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर समाहित कर लेता है और बदले में आपके चारों तरफ, आपके घर में पॉजिटिविटी का वातावरण क्रिएट करता है। तो इसलिए मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए आप अपने घर में गुड़हल का पौधा अवश्य लगाएं। संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि अपने घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास ना चाहता हो, क्योंकि दोस्तों, बिना धन के हमारे लिए कुछ भी कर पाना असंभव है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की चाहत होती है कि उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाए। यदि आपकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, तो आपको क्या करना है, आप शुक्रवार के दिन नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और उन्हें एक गुड़हल का फूल अर्पित करें। उसके पश्चात आपकी जो भी मनोकामना है, वह मनोकामना आप माता लक्ष्मी जी को बताएं, उनसे कहें, उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद आप उस गुड़हल को उठाकर अपने धन रखने वाली जगह पर रख लें। वह धन रखने वाली जगह आपकी कोई भी हो सकती है, आपकी तिजोरी, आपका गल्ला, आप जहां पर भी चाहें आप उसको रख सकते हैं। ऐसा आपको कम से कम 11 शुक्रवार करना है और आप चाहें तो इस उपाय को आप आगे भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 शुक्रवार आप जरूर करिए। जो फूल आपने इस बार, इस हफ्ते रखा है, उस फूल को आप अगले शुक्रवार को वहां से हटा लीजिए
और अगले शुक्रवार को आप दूसरा नया फूल उसी प्रकार से पूजा अर्चना करके अपनी तिजोरी में रखिए। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा उपाय है, लेकिन ये महाशक्तिशाली उपाय है और इस उपाय के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि यह उपाय आपका पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये उपाय आपका पूरा जीवन बदल कर रख देगा। बस आप अपनी पूरी श्रद्धा के साथ ये उपाय कीजिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्य की पूजा गुड़हल के फूल के बिना अधूरी रहती है, इसलिए यदि आप सूर्य की तरह तेज पाना चाहते हैं, सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, यश और वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आप हर रोज उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं और साथ ही साथ ध्यान रखें कि सूर्य को जल चढ़ाते हुए उसमें गुड़हल का फूल अवश्य डालें। यदि आप उसमें लाल रंग का गुड़हल का फूल डाल देंगे तो आपका यश, आपकी कीर्ति चारों तरफ फैल जाएगी। इस उपाय के द्वारा आपको बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त होगी। आखिरी उपाय, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो घर की पूर्व दिशा में लाल रंग का गुड़हल का पेड़ लगाना आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगा। यदि आप इतना ही कर लेते हैं, आप अपने घर की पूर्व दिशा में लाल रंग का गुड़हल का पेड़ लगा लेते हैं, सिर्फ इतना ही कर लेने से आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होने लगेगा और साथ ही साथ गुड़हल का फूल घर में सकारात्मकता का संचार भी करता है। तो जैसे ही आप गुड़हल का फूल अपने घर में लगाएंगे तो आप ये खुद महसूस करेंगे कि आपके घर में आपके चारों तरफ कितना परिवर्तन आ गया है। क्योंकि दोस्तों जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि गुड़हल के फूल के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि यह आपके घर से, आपके चारों तरफ के वातावरण से नकारात्मक शक्तियां सोख लेता है और सिर्फ पॉजिटिविटी आपके चारों तरफ रहने देता है। ये बहुत ही अच्छा और पॉजिटिविटी वाला वातावरण क्रिएट करता है। इसलिए आप यदि गुड़हल का फूल अपने घर में लगाते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहता है, क्योंकि गुड़हल का फूल सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तो दोस्तों आप अपने घर में गुड़हल का पौधा अवश्य लगाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। और साथ ही साथ यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह दोष है तो आप उनसे भी छुटकारा पाएं। तो दोस्तों आज जो आपको उपाय बताए गए हैं ये 1001% रिजल्ट देंगे। बस आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने इष्ट देव को याद करके करिएगा। यानी जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इन उपायों को करेंगे, आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यदि आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप इस जानकारी को, इन उपायों को अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के साथ। जय श्री राम, सीताराम, राधे श्याम।